सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं मोहित तिवारी आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल जिसका नाम है माइक टेक्नो इन्फो। सो गाइस, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये जो मैंने चैनल बनाया था वो काफ़ी मतलब ऐसे ही मस्ती में बना दिया था, और काफ़ी दो चार वीडियो जो थे वो ऐसे ही डाल दिए। क्योंकि मेरे को सबसे पहले प्रॉब्लम मेरे में आई थी कि फाइंड माई डिवाइस का रिमोट लोकेशन ऑफ हो जाता था, तो मुझे मैंने बहुत रिसर्च की बट यूट्यूब पे भी मेरे को कहीं भी इसका सोल्यूशन नहीं मिला। काफ़ी सारे मैंने वीडियोस देखे लेकिन मुझे सोल्यूशन नहीं मिला था, तो इसी के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था। उसको काफ़ी मैंने रिसर्च की तो मेरे को मिला था इसका सोल्यूशन, वो गूगल मैंने किया था, तो गूगल पे इसका सोल्यूशन मेरे को मिल गया था। तो मैंने वीडियो बनाई थी तो उसकी उसके रिस्पॉन्स उस पर काफ़ी ज़्यादा गए, तो मुझे इतना भरोसा नहीं था कि आप लोग इतना मेरे को मतलब चला जाएगा। तो मुझे थोड़ी सी अब हो रहा है कि हाँ, मेरे चैनल को थोड़ा आप लोग सपोर्ट कर रहे हो तो मेरे को भी आप लोग का जो है एक्शन, मेरे को रिएक्ट रिएक्ट करना चाहिए आपके किसी भी कमेंट पर। तो लाइक वाइक तो मैं मान लीजिए कर देता था, वैसे मैं कह भी देता था कि वीडियो मैं डाल दूंगा, बट मैं डाल नहीं पाता था किसी कारण से। तो देख रहा हूँ कि अब मेरा चैनल ग्रो कर रहा है, तो आप पहली बात तो यहाँ पर आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, बहुत बहुत थैंक यू इसके लिए। इतने सारे व्यूज़ आप लोग गए हो, आप लोग प्लीज़ आया करो तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो चैनल को। अब मैं आपको लगातार वीडियो डालता रहूँगा, तो आज मैं इसीलिए खास तौर पे आया था। बट काफ़ी सारे कमेंट आए थे काइन मास्टर को लेकर, तो काइन मास्टर में एक किसी ने पूछा था कि क्रोमा की इसमें कहाँ है। मैंने देखिए उनको लिंक दिया है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसी के अंदर है, शायद उनको यूज़ नहीं करना आता होगा। तो मैं बता देता हूँ आपको क्रोमा की आपको कहाँ देखने को मिलेगी। पहली बात तो आपको कोई लेयर लेनी होती है, नॉर्मल फोटो की कोई लेयर लेनी होती है, फिर उसके ऊपर जब आप वीडियो लेयर लोगे तो वीडियो लेयर में आपको वो क्रोमा की का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो मैं आपको जैसे कि दिखा देता हूँ, मैंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है ऐसे नॉर्मली। तो देखिए काइन मास्टर ये वही है जो लिंक से आप लोग डाउनलोड करने पे आप लोग को जो है मिलेगा। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बना रखा है, तो जैसा कि आप लोग प्रोजेक्ट देख पा रहे हो, यहाँ देखिए मैंने ये एक शेर का लिया था जिसके पीछे बैकग्राउंड जो है ग्रीन था। तो देखिए क्रोमा की का मैंने यूज़ किया है। अब कैसे यूज़ करना है आपको, जैसे देखिए पहले आप किसी भी बैकग्राउंड को, ये फोटो है मान लीजिए नॉर्मली, मैं आपको स्टार्ट से करके ही दिखा देता हूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर कोई भी प्रोजेक्ट एक बना लिया, यहाँ पर पहले देखिए आपको मीडिया से कोई भी फ़ोटो ले लेनी है। जैसे मेरा देखिए मैंने ये फ़ोटो ले ली यहाँ से, ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा लंबा कर देता हूँ। तो ये मैंने फोटो ले ली, फिर यहाँ पर हमको करना क्या होगा, इसके ऊपर एक वीडियो लेयर लेनी होगी। क्रोमा की का यूज़ वीडियो लेयर में ही करते हैं। तो एक बंदे ने पूछा था काफ़ी पहले कि वीडियो लेयर कहाँ से आती है, तो यहाँ देख लो भाई आपको लेयर में, ये देखिए सबसे ऊपर जो है मीडिया का ऑप्शन है, उसी में जो है वीडियो लेयर होती है। इसी से आप कोई भी वीडियो भी आप वहाँ पर डाल सकते हो। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने, ये देखिए यही वीडियो है जो मैंने डाउनलोड करी थी, तो यहाँ से मैं इसको स्ट्रिप कर लेता हूँ। हाँ तो देखिए आप, मैंने इसको स्ट्रिप कर लिया है, इधर से स्प्लिट हो गया वो। तो अब देखिए इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे, ये वीडियो लेयर के आप जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ देखिए आपको इस स्क्रीन पर देखिए क्रोमा की का ऑप्शन आपको मिल जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पर क्रोमा की का ऑप्शन है, तो इसको आप लोग इनेबल करोगे, फिर उसके बाद यहाँ पर इसको स्वाइप करते करते हुए यहाँ पे ऐसे कुछ जैसे प्रोफेशनल जो होते हैं वो कर लेते हैं, मेरे को उतना अच्छा आता नहीं है। मैं पहले वाइंस वीडियो बनाता था वो, तो उसी में मैंने यूज़ किया था तो मुझे पता था हल्का फुल्का। देखिए जैसे कि ये हो गया, तो ऐसा ही होगा, आप लोग उसको अच्छे से करना, मैं तो ऐसे नॉर्मली आपको बता दे रहा हूँ। आप देखिए वीडियो मैं प्ले करता हूँ, तो देखिए क्रोमा की बैकग्राउंड को देखिए हटा दिया वो। अब आप पहली बात तो ये रही कि देखिए आप कहोगे कि यहाँ पे स्टार्ट में जो है वो देखिए बैकग्राउंड एकदम अच्छे से क्लियर हुआ है, और यहाँ पर देखिए आते ही यहाँ पे ग्रीन हो गया। तो आप पहले ये चेक कर लेना कि कहाँ पे आपको ग्रीन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जैसे आपको ग्रीन देखने को मिल रहा है, तो अगर यहाँ से आप ग्रीन को हटा दोगे, वो जो बैकग्राउंड का हल्का सा ग्रीन आ रहा है, आप यहाँ से अगर उस बैकग्राउंड के ग्रीन को हटा देते हो, फिर उसके बाद वो किसी भी पॉइंट पर आपको ग्रीन नहीं दिखेगा। जैसे देखिए यहाँ पर ग्रीन हट गया अगर मेरा, तो ये ग्रीन आपको कहीं भी नहीं दिखेगा। देखिए पूरी वीडियो में कहीं भी आपको ये ग्रीन वाला जो है बैकग्राउंड अब नहीं दिखेगा। तो फ्रेंड्स यही थी आज की वीडियो,
तो और कुछ अगर आपको जानना हो तो आप कमेंट करना, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा और कोशिश करूंगा अच्छे से आपको समझा सकूं। और हाँ भाई, विडमेट का जो मैंने वीडियो बनाया था उस पर भी आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो विडमेट में आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो जो ट्रिक थी वो टेम्परेरी ट्रिक थी, जैसे कि आप डाउनलोड करते थे तो पहले हो जाती थी, बट अब वो है क्या कि वो मेन प्रॉब्लम थी कि गूगल ने उसको जो है सर्टिफाई नहीं किया, क्योंकि वो इनकोग्निटो मोड टाइप में वो चलाता था, क्योंकि उसमें आप लॉगिन नहीं करते थे फिर भी आप यूट्यूब को सर्व कर सकते थे, तो गूगल ने क्लेम किया। तो अब आपको उसमें जो है लॉगिन करना पड़ेगा, अपने आईडी को आप लॉगिन करोगे, जब गूगल ईमेल को आप वेडमेट में लॉगिन कर लोगे तो वो इनवैलिड रिस्पॉन्स रिसीव्ड की जो प्रॉब्लम थी वो आपकी ठीक हो जाएगी। वो जो पहले मैंने आपको ट्रिक बताई थी वो टेम्परेरी ट्रिक थी, तो ये है आपका परमानेंट सोल्यूशन है, आपको गूगल से साइन इन करना होगा विडमेट में, तो आपका जो वो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपका इतना सपोर्ट रहा, बहुत बहुत थैंक यू। मैं आपको हमेशा आप कोशिश करूंगा अच्छे अच्छे वीडियो डालता रहूँ, ट्रिक्स बताता रहूँ, टेक्निकल चीज़ें सब बताता रहूँ। आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो पे कमेंट जरूर करना। आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।